अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनिलाज डाइनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल मग केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाता है। कोई भी एज हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, हर कोई इसे बहुत इजीली बना सकता है। तो रेसिपी को देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अनिलाज डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओरियो केक बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपके पास ओरियो बिस्किट्स होने चाहिए और दूसरा आपके पास थोड़ा सा दूध होना चाहिए। मैं यहाँ पे 12 जो है बिस्किट्स ले रही हूँ, और उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1/2 कप दूध, और ये मैंने थोड़े से लिए हैं। चॉकलेट चिप ये ऑप्शनल है, ये अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम बिस्किट्स की थोड़ी सी पिटाई कर देते हैं। अब हम इन तमाम बिस्किट्स को जो है वो एक मग में डाल लेंगे, और इस तरह से मैंने 11 बिस्किट्स जो हैं वो तोड़ के मग में डाल दिए हैं, और एक बिस्किट मैं एंड में यूज़ करूँगी। और अब मैं इसके अंदर 1/2 कप जो है वो मिल्क का ऐड कर दूँगी। बस 2 इंग्रेडिएंट से ही जो है हमारा मग केक बड़ा यमी सा रेडी हो जाएगा। कोई चीनी, ऑयल या किसी और चीज़ की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। बस हम इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच की हेल्प से आपने इसको जो है वो गोल गोल घुमा के मिक्स कर लेना है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट चिप जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये आप अगर हो तो डाल लें, और अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर लें। मग के किनारे मैं एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इस तरह से साफ़ कर लूँगी, और इस तरह से एक बिस्किट जो है वो मैंने तोड़ा नहीं था उसे मैं इस तरह से इसके अंदर डिप कर दूँगी। और यहाँ मैंने टोटल 12 बिस्किट्स यूज़ किए हैं, और 1/2 कप जो है वो मैंने दूध का यूज़ किया है। अब मैं इसे ओवन में रख दूंगी, 2 मिनट का टाइम दे दूंगी। आप अगर चाहें तो कम बिस्किट भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप 6 बिस्किट लेना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से दूध भी कम कर लें। तो एक फार्मूला सा बना लें कि जैसे 12 बिस्किट के लिए 1/2 कप दूध है, तो बाकी चीज़ों के लिए क्या फार्मूला बनेगा, आप उसी हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब 2 मिनट के बाद मैंने मग को बाहर निकाल लिया है, और एक स्टिक की हेल्प से मैंने चेक किया है, स्टिक बिल्कुल ड्राई थी, तो समझे कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। मैंने ऊपर से भी जो है चॉकलेट चिप थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह सुभानअल्लाह, ये कितना ज़बरदस्त जो है अंदर से रेडी हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी, और बहुत ही अच्छी खुशबू जो है हमें इस मग केक से आ रही है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हमने 2 मिनट्स में इतना ज़बरदस्त और कमाल का केक रेडी किया है। बच्चे और बड़े सभी इसे बना सकते हैं और इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।